लाशों पर राजनीति करते हैं, इन दुष्टों को भगाने के लिए पूरा देश समझ रहा है। तो आंसू पानी के नहीं साहब, खून के आंसू रो रहा है ये देश, खून के आंसू रो रहा है। यदि युवा पर भी अपना टैग लगा रखा है, ये किसी पार्टी का टैग इस पर जो लगा रखा है इन धूर्तों ने, इस टैग को हम बहिष्कृत करते हैं। दिल्ली कैंट के अंदर जितने भी है 5-5 करोड़ रुपए दे करके इन लुटेरी पार्टियों से टिकट लेके आए हैं, इन चोरों को आप भगा सकने में 5 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल, अरे इससे हमारे यहाँ कहा जाता है कि मलमूत्र खाने से काल नहीं कटता। इस देश की सरकारें हमारे देश की समाज को निकम्मा बना रही हैं। नागरिक बंधुओं का 71वें गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर हृदय की गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए चरित्र के धनी, दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी, निष्ठावान, प्राणवान, ऊर्जावान आप सबके साथी, आप सबके बीच के एक योद्धा जिनका पूरा बैकग्राउंड प्रामाणिक है, जो देश की सरहद पे प्रामाणिकता से काम करके आए हैं, ऐसे बहादुर वीर सिंह चौहान यदि इस क्षेत्र में आए हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में इस देश के तमाम लुटेरों ने गंदगी फैला रखी है, इसको यदि कोई साफ सुथरा कर सकता है तो वो भारत की सती सावित्री माताओं की कोख से जन्मे ये सैनिक, ये भारत की सेना जिसको देश की वास्तव में चिंता है, जिसको वास्तव में देश की पीड़ा है, जिसको वास्तव में देश की गरीबी की बहुत नजदीक से पहचान है, क्योंकि किसान का, गरीब का बेटा ही सरहद पर जाके खून बहा रहा है। और वो किसान खेतों में जिस तरह की उपेक्षा का शिकार होकर पसीना बहा रहा है, इन दोनों की स्थिति से पूरा देश परिचित है। लेकिन इसके बावजूद भी इस देश में इन दोनों के प्रति किस तरह का माहौल, मैंने इस पूरे देश को घूम घूम करके अखिल भारतीय स्तर पर परिभ्रमण करके अध्ययन किया है, किस देश को, इस देश के सच्चे सपूत बचा सकते हैं ये दोहरे चरित्र के लोग, जो आज 50% संसद में अपराधी बैठे हुए हैं, रेपिस्ट, गुंडे, बवाली, मर्डरर्स बैठे हुए, ये हमारे प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं इस प्रबुद्ध दिल्ली की जनता से आशा ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ अपेक्षा करता हूँ। मेरे प्यारे भारतवासियों, अभी गीत चल रहा था, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। इस देश में चरित्र की पूजा होती रही है, चित्र को कभी नहीं पूजा गया है। ना जाने कब से इस देश में आज चरित्र को किनारे करके चित्र पूजा जाने लगा है। इसलिए हम निवेदन करेंगे, एक एक आवाल वृद्ध व्यक्ति से, सभी से निवेदन करेंगे कि आपको यदि चरित्र की पहचान हो तो इस प्रजातंत्र की आप रक्षा कर सकने में अपना अमूल्य शस्त्र जो आपके पास है, इस वर्तमान की लुटेरे दानों को जो पार्टियों के नाम पर वोट की राजनीति करते हैं, लाशों पर राजनीति करते हैं, इन दुष्टों को भगाने के लिए पूरा देश समझ रहा है कि किस तरह से देशभक्ति का मजाक और मखौल उड़ाया जा रहा है। क्या हम समाज में नहीं रहते? क्या यह समाज अनभिज्ञ है? क्या उनके वास्तविक चरित्र से अपरिचित है? मंचों पर उनके जो भाषण हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड, उनका आचरण हम सब की आंखों के सामने प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। इसके बावजूद भी हम लोग यदि इस अवसर पर, जब आपको 5 साल बाद एक मौका आता है, आपके तर्कस का वो तीर जंग खाता रह जाता है अथवा उसका दुरुपयोग हो जाता है, वोट का जो अधिकार है, आप पात्र व्यक्ति को चुनिए। ये पार्टियां इस देश की डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। इस देश में चरित्रवान, विद्वान, दूरदर्शी हमारे जननायक आगे आए और उन्हीं के व्यक्तित्व से, उन्हीं के ऊर्जावान, प्राणवान कृतित्व से इस देश की दुर्गति को ठीक किया जा सकता है। आज सामने ये सैनिक,
जो बच्चे बचपन से 17 साल 18 साल की उम्र में इस देश के लिए ये जो वर्दी पहन करके तमाम तरह की तपश्चर्या में रहते हैं, उसी पंक्ति में से निकले हुए सूबेदार वीर सिंह चौहान, इनका जो बैकग्राउंड है बेहद तपस्या भरा हुआ है। आपने अभी सुना ही है कि हमें इस देश में सच्चे अच्छे पक्के लोग चाहिए जिनका दोहरा चरित्र है। हमें अब बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हमारा भारत अब जाग रहा है। अब इस देश में अवेयरनेस लगभग उन्नति कर रही है, अब हम लोग जागृति के क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अब ये दोहरे चरित्र के लोग, जो इनके दोहरे मुखौटे हैं, पर्दे के पीछे कुछ और, मंच पर कुछ और, इसलिए इन सबको बहिष्कृत करना ही होगा। और ऐसे ही मौके पर यदि हमने अपनी समझ की पहचान को प्रमाणित नहीं किया समाज के सामने, तो फिर हमको 5 साल पछताने के सिवाय और कुछ भी हाथ नहीं लग सकता। इसलिए हम निवेदन करेंगे अपने इस प्रबुद्ध समाज से, आज की इस प्रबुद्ध सभा से, सार्वजनिक जीवन के हितों की रक्षा करने वाले कोई वीर पुरुष ही हुआ करते हैं, जिनकी दृष्टि में कोई पक्षपात नहीं होता है, कहीं कोई जाति नहीं होती, बिरादरी नहीं होती। यदि हम पूरे भारतवर्ष को अखंड भारत की दृष्टि से देखना चाहते, देश की एकता अखंडता बंधुता की समझ रखते और इस समझ को हम आचरण से प्रमाणित करते हैं, तो हमें अपने पूरे समाज के जो आंसू पानी के नहीं साहब, खून के आंसू रो रहा है यह देश, खून के आंसू रो रहा है। यदि हम ऐसा जो जज्बाती हमारे बीच एक बहादुर योद्धा वीर सिंह चौहान आया है इस चुनाव के मैदान में, तो हमें निवेदन करेंगे, आप सब लोग बहुत ही समझदार लोग हैं, इस चुनाव को लड़ाई का रूप ना दिया जाए, इसको खेल का रूप दिया जाए। ये खेल है, खेल। आप देखते हैं कि किस तरह से खेल खेल रहे हैं ये लोग, तो हम लोग भी बहुत आवेशित ना हो, क्योंकि कहते हैं कि आवेशित होकर के कोई कार्य नहीं करना चाहिए, कार्य धैर्य पूर्वक करना चाहिए। जहाँ पर धैर्य होता है, धरती क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये तथा कथित जो जिनने इस भगवा पर भी अपना टैग लगा रखा है, ये भगवा पूरे विश्व का है, पूरी दुनिया का है, पूरी मानवता का है, न्याय का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है। ये किसी पार्टी का टैग इस पर जो लगा रखा है इन धूर्तों ने, इस टैग को हम बहिष्कृत करते हैं। एक किसी की बापोती नहीं है, ये भगवा सत्य और न्याय का प्रतीक है, इसलिए सच्चाई का प्रतीक सच्चे लोगों के साथ खड़ा है। इस पूरे भगवा का, पूरे संत समाज का, भारतवर्ष के सनातन दर्शन का पूरा सहयोग इस देश के सत्य के साथ है, वीरत्व के साथ है। इसलिए वीर सिंह चौहान को हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि अपना पूरा समय निकालिए, निकलिए आप अपने निजी स्वार्थ की झंझटों से, और इस राष्ट्र के निर्माण के लिए जो भारत का पिछला व्यक्तित्व रहा, जिस तरह से राष्ट्र गरिमाशाली रहा, गौरवशाली रहा, इस राष्ट्र को वास्तविक गरिमा और महिमा से मंडित करने के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे नौकरी पेशा में हो, चाहे उद्यमी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो परिव्राजक हो, संत हो, यति हो, क्षति हो, सबसे निवेदन करता हूँ कि सच्चाई का स्वागत करो, अच्छाई के पथ पर सच्चाई का सम्मान करने के लिए मैं आह्वान करता हूँ कि भारी बहुमत से अपने अमूल्य वोट का मतदान करके, यदि दिल्ली कैंट के अंदर जितने भी ये 5-5 करोड़ रुपए दे करके लुटेरी पार्टियों से टिकट लेके आए हैं, इन चोरों को आप भगा सकने में समर्थ हो सकें, तो आप अपने प्रामाणिकता दीजिए जागृति की। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ आपकी ये संगठित शक्ति और आप सबका, सिर्फ दिल्ली कैंट का एक प्रत्याशी इस देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये सूचना दे सकता है कि धरती पर आज भी सत्य न्याय वीरता धीरता समझदारी जीवित है और ये कभी निर्वीज नहीं हो सकती है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपनी समझ का पूरा परिचय देंगे, सूबेदार वीर सिंह चौहान जिनका एक प्रामाणिक व्यक्तित्व हमारे बीच में इस तरह की जो बहुत देश के अंदर
जिस तरह की नीतियां चल रही हैं, जिस तरह से देश को जिस तरह से विखंडित किया जा रहा है, किस तरह से लोग हताश हैं, निराश हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, उन एक एक व्यक्तियों तक जाने के लिए ये जो सेना के अनुभवी लोग हैं, एक से एक बढ़कर के सपूत हमारे सामने बैठे हैं, जिनके सर पर भारतीय सेना की ये टोपी लग रखी है। इनने भारत माता के इस तिरंगे की शान को जिया है और अपनी आखिरी सांस तक इस राष्ट्र की शान को जीने के लिए ये कृत संकल्पित हैं। इनसे अच्छा है कोई प्रति कोई भी इनसे बढ़िया हमको जनप्रतिनिधि नहीं मिल सकते हैं। इसलिए खनन माइनिंग में लगे हुए लोग, नेचर को नोचने वाले लोग, आज दिल्ली में किस तरह की पर्यावरण की समस्या है, किस तरह से हम लोगों को आत्मीयता पूर्वक अपने जीवन शैली में एक परिवर्तन लाने की जरूरत है, किस तरह से हमें अपनी पीढ़ियों को, अपने फ्यूचर को सुरक्षित करने की जरूरत है, ये तो समझदारी का विषय है, संवाद का विषय है। एक एक जनप्रतिनिधि को लोगों के खान पान से लेके, आचार व्यवहार से लेके, उनके आर्ट ऑफ लिविंग लेके, उनके मैनर से लेकर के सबके साथ संवाद करने की जरूरत है, जहां बौद्धिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे ये तैयार कर लेंगे कि भैया एक यूटर्न लो, अब समय बहुत संकट का है, हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं, किसी भी सरकार की औकात नहीं है कि वो पर्यावरण को ठीक कर दे। पर्यावरण को ठीक करने के लिए तो एक एक नागरिक को कदम उठाना पड़ेगा, भगवानवादी पश्चिम के कल्चर को लात मार के ठुकराना होगा। हमें इस प्रकृति के संतुलन को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण सुखकारी व्यवसाय, पर्यावरण सुखकारी हमको जीवन शैली अपनानी होगी, अन्यथा कालिदास रोग से ग्रसित ये समाज, ये राष्ट्र सुरक्षित नहीं दिख रहा है। इसलिए खुले मंच से, सुबेदार वीर सिंह चौहान के इस खुले मंच से मैं आवाहन करता हूँ कि मेरे भारत देश के ऋषियों मुनियों की संतानों, आप अपने विवेक का परिचय दो। यदि आपने अपने विवेक का परिचय दिया तो आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रह पाएंगी, क्योंकि ये जो लॉलीपॉप बांटने वाले लोग हैं, ये जो आपको किट बांटने वाले लोग हैं, 5 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल, अरे इससे हमारे यहाँ कहा जाता है कि मलमूत्र खाने से काल नहीं कटता। इस देश की सरकारें हमारे देश की समाज को निकम्मा बना रही हैं, पुरुषार्थहीन बना रही हैं, पराक्रम शून्य बना रही हैं। इसलिए इन धूर्तों से, लुटेरों से मुझे अपने समाज की, अपने राष्ट्र की सुरक्षा की अब कोई परिकल्पना नहीं रह गई है। अब तो आवश्यकता है कर्मठ, कर्मशील, कर्मयोगी योद्धाओं की, जो वास्तव में इस व्यूह को तोड़ सके, जो इस शोषणकारी व्यूह रचना को विखंडित कर सके, खंड खंड कर सके, और उनकी छाती पर लात धर के इस देश की जो हितैषणी संस्था है संसद, वहां जा करके विधान परिषद में, विधानसभा में अब सच्चे सपूतों को लाओ। सूबेदार वीर सिंह चौहान जैसे यहां सैकड़ों लोग इस धरती पर हैं, ये भारत की जो माताएं हैं, इन्हीं को भारत माता कहते हैं, और भारत माता की कोख से हमेशा संत और वीर पैदा होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत की नारियों की कोख से जन्मे सच्चे योद्धा, सच्चे सूरवीर, निष्पक्ष न्यायवोधी लोगों को संसद और विधानसभाओं में भेजो। उस श्रृंखला में सूबेदार वीर सिंह चौहान हम सबको मिले हैं, ये हमारी प्रसन्नता का विषय है, हमारा, हमारे संत समाज का, पूरे भारतवर्ष के प्रबुद्ध लोगों का ये चयन है। चुनना तो हमें चरित्र को होता है, लेकिन आज तो ये पार्टियां, ये गुंडे, ये लफंगे, ये मर्डरस, ये उच्चे, इनको समाज पैसों के बल पर हवा बना करके आते हैं, 50-50 गाड़ियां लेकर के दुरुपयोग करते हुए समाज के पैसे का। और ये समाज हमारा बेचारा चूंकि 1200-1400 साल से गुलामी के संस्कार लेके आज भी कहीं ना कहीं अंग्रेजी स्ट्रक्चर के अंदर गुलाम है, इसलिए इस देश के अंदर अभी भी स्वायत्तता की कमी है। स्वायत्त बनिए मेरे प्यारे भारतवासियों, स्वायत्त बनोगे, विचार स्वायत्तता चाहिए इस देश के एक एक नागरिक को, तो हम अपने भारतवर्ष को गरिमाशाली, गौरवशाली राष्ट्र पूरे विश्व पटल पर प्रकाशित कर पाएंगे। और जब तक हमारी विचार स्वायत्तता के ऊपर ये तथा कथित लोग, जो दोहरे चरित्र के लोग हैं, जिनके ऊपर अनैतिक तरीके से प्रकृति का शोषण करके, प्रकृति का भयंकर शोषण करके, जिन्होंने बहुत बहुत धन इकट्ठा किया है, उस धन के बल पर जिस तरह से लोगों के मानस को ये जिस तरह से प्रभावित करते हैं, हम चाहते हैं कि आप में से सारे लोग प्रतिनिधि बनिए, आप सारे लोग इस देश के नेता बनिए, नेता ही नहीं, आप इस देश के सेनापति बनिए, ताकि समाज को ठगने वाले, लूटने वाले लुटेरों का
हम पर्दा उनका उनका चेहरा बेनकाब कर सकें, इन दोहरे चरित्र के लोगों को हम स्पष्ट कर सकें कि दुष्टो तुमने आज 70-71 वर्ष होते जा रहे हैं, आज तक ये समाज सिसकियां भर रहा है, रो रहा है, इसको आंसू पोंछने के लिए अब तो एक एक नागरिक को निकलना ही पड़ेगा। अभी अन्ना के आंदोलन से निकला एक धूर्त जिसने इस देश की आस्था को, राष्ट्रभक्तों की आस्था को भयंकर चोट पहुंचाई है, इस झूठे को, इस धूर्त को, इस नपुंसक को, इस कायर को आप जितने जल्दी बहिष्कृत कर सकें करिए, क्योंकि ये सब लॉलीपॉप बांटने वाले लोग आप इस देश को नहीं चला सकते हैं, इस देश को तो सच्चे सूरमाओं की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के 71वें गणतंत्र दिवस पर अपनी बाघ पुष्पांजलि को भारत माता के चरणों में समर्पित करता हूँ और दिल्ली कैंट के सभी योद्धाओं को, चूंकि आपको राक्षसों को मारना है वोट के तीर से, तो आपके अंदर जिगर चाहिए, जिगर चाहिए, लोभ में मत आना, डर में मत आना, प्रलोभन में मत आना, भय आस्था प्रलोभन का दुरुपयोग करने वाली राजसत्ता, धर्म सत्ता, अर्थ सत्ता, इसको आपको टक्कर देनी होगी, तभी जाकर के इस देश के जो एक कंपैक्ट यूनिट है उसको तोड़ पाओगे, क्योंकि आज इस देश में राजसत्ता, धर्म सत्ता, अर्थ सत्ता जिस तरह से समाज को बरगला के भटका करके उनका शोषण कर रही है, इस कंपैक्ट यूनिट को तोड़ो, इस गिरोह को तोड़ो, इसमें लुटेरे दुष्ट क्रूर लोग भरे पड़े हैं, इसलिए आपकी समझ विकसित दिनों दिन हो, ईश्वर से मैं कामना करता हूं। भारत माता के प्रति जिन्होंने अपना असंख्य बलिदान किया, बच्चों ने किया, 550 बच्चों की हमारे पास लिस्ट है जिनको देश नहीं जानता है, कि सिर्फ वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद के नाम पर उनको ब्रिटिश के पुलिस ने उनको शूट किया, ऐसे बच्चों के हमारे सूबेदार वीर सिंह चौहान, हमारे इस पूरी टीम का, हम तो इस समय इनके पूरे विचार को लेकर के हमने कहा कि ये टीम मुझे मिली बहादुरों की, देश का काम करने के लिए, पूरे देश के अंदर लाखों लाखों गांवों में जो हमारे संतों का नेटवर्क है, आपको पता है कि ये देश आस्था वाला देश है, इस देश में संत समाज रहता है, इस देश के सच्चे वीर सपूत, सच्चे संत और मातृशक्ति जिनको वास्तव में नारी होने का गौरव प्राप्त है, ऐसी जो मातृशक्ति है, जो इस देश का सतीत्व का बल है, वो तीनों स्तंभ यदि खड़े हो जाएंगे, तीन समारे जगत को सती, मातृशक्ति, संत और सूरवीर, मैं अपने देश के एक एक नागरिक को सूरवीर की भूमिका में देखना चाहता हूँ, किसी को भी कायरता की श्रृंखला में मैं नहीं देखना पसंद करता, क्योंकि वो धरती के भार हैं। एषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूप मृगास्तरंती। इस मूर्ख मनुष्य से तो बेहतर बाकी मानवेतर सारे प्राणी जो प्रकृति को एक संतुलन देते हैं, लेकिन ये बिगड़ा हुआ, ये शैतान, ये मनुष्य नाम का जो अविवेकी प्राणी है, जो इन लुच्चों को, गुंडों को चुन करके संसद में भेजता है, जो इस देश के लिए कैंसर बन गए हैं, एक बहुत बड़े घोड़ा बने हुए हैं, इनका ऑपरेशन तो इस देश की जनता अपने वोट की ही उस चाकू से करेगी, जिससे एक डॉक्टर किसी घोड़े का ऑपरेशन करता है, तो आपके पास वोट रूपी एक ऐसी चाकू है जिससे इस घोड़े को चीर डालिए और पस निकाल दीजिए, इन सड़े सड़ाए लोगों को भगाइए, इनकी अब जरूरत नहीं है। भारत माता की, धन्यवाद।